अस्सलाम वालेकुम। ये मैं आपको मसला दिखाता हूँ कल्टस का। एक मसला आया हुआ है इसमें कि इसकी जो हीट की गेज है वो टेम्परेचर नहीं बता रही। ये देखिए, मैं स्विच ऑन करता हूँ इसका। ये लाइटें ऑन हो गई, इसकी स्विच ऑन हो गए, लेकिन इसकी जो हीट की गेज है ये वाली, ये नहीं बता रही कितना टेम्परेचर है। तो इसका मसला ढूंढते हैं कि कहाँ पे है। ये देखें, ये इसकी है, यहाँ से इसको नेगेटिव मिलता है। अगर आपने चेक करना हो तो आप इस तार को उतार लें। ये तार यहाँ पे लगी हुई है, इसको डायरेक्ट नेगेटिव दें और इसका जो चाबी है वो ऑन करें। अगर तो गेज फुल हो जाए तो इसका मतलब है कि इस सेंसर में मसला है, ये जो सेंसर है। और अगर फुल ना हो तो इस वायर में मसला है। तो ये देखें, ये इसका कलर है, ये येलो वायर है और इस पर ब्लैक बैंड है। तो ये मैं टेस्ट करता हुआ यहाँ से होती हुई, ये बैटरी के पीछे से फ्यूज़ बॉक्स के नीचे से होती हुई, ये एक लग गया नज़र आ रहा होगा आपको। इसमें चार तारें लगी हुई हैं। तो ये जो येलो वायर है ये इसकी है हीट वाली गेज की। तो यहाँ से ये फिर अंदर चली जाती है केबिन में, और केबिन में मैं आपको दिखाता हूँ कि मसला कहाँ पे है। मुझे मसला मिल गया तो मैंने कहा चलो आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, एक वायर है, ये येलो वाली, ये नज़र आ रही होगी आपको। गुजारा करना पड़ेगा, अंधेरा भी है इधर। मैं इसकी तस्वीर बना के यहाँ लगा देता हूँ। तो ये वायर टूटी हुई थी, इसका येलो कलर है। तो अब देखते हैं कि ये कहाँ से टूटी है, वहाँ पे इसको ज्वाइन कर देते हैं। यार वो तार मैंने ओपन की है लेकिन मसला हल नहीं हुआ। तो अब मैं इसका डैशबोर्ड खोल रहा हूँ कि देखते हैं कि उधर से तो पता नहीं चल रहा कि वहाँ आगे वायर किधर जा रही है। तो यहाँ से वापस चले जाएंगे डैशबोर्ड से, तो फिर कुछ शायद पता चल जाए। तो गेज को भी चेक हो जाएगी डायरेक्ट पावर दे के, गेज तो ख़राब नहीं है। ये है जी वो टेम्परेचर गेज, इसके तीन पॉइंट हैं। ये आप देखें, ये लेफ़्ट साइड पे है, ये है पॉजिटिव, और इसके दरमियान में जो है इसको नेगेटिव मिलता रहता है लगातार। और ये राइट पे है, इसको नेगेटिव मिलता है सेंसर से, यानी ये जो सेंसर लगा हुआ है यहाँ पे, इससे इसको नेगेटिव मिलता है। तो ये चेक करने के लिए निकाली, अब मैं इसको नेगेटिव देता हूँ। देखते हैं, ये नेगेटिव लगाता हूँ मैं इधर, तो ये फुल पड़ती है। इसका मतलब है कि गेज सही है, मसला सर्किट में है। मसला मिल गया है जी आखिरकार। मसला वही है कि पुरानी गाड़ियों में ये होता है कि कटवट बहुत की होती है। ये एक एक्स्ट्रा तार नज़र आ रही है आपको, ये तार इधर भी थी। डैशबोर्ड में लेफ्ट साइड पे, तो बेसिकली ये तार कभी डाली गई होगी तो ये यहाँ से डिसकनेक्ट हो गई थी। तो क्योंकि ये एक साइड पे तार पड़ी थी, मैंने इसको नहीं हिलाया, मैं और सर्किट सीधा करने में लगा रहा, तो आखिरकार ये तार मिली है जिसका मसला था। अब देखते हैं जी, ये तार लगाते हैं तो उम्मीद है मसला हो जाएगा। तो ये देखें, पूरा डैशबोर्ड और स्पीडोमीटर खुला हुआ है, और ये गेज के तीन पॉइंट हैं। ये यहाँ पे
परमानेंट पॉजिटिव आएगी, इग्निशन पॉजिटिव जब स्विच ऑन करें तो यहाँ पे पॉजिटिव आनी चाहिए, यहाँ पे परमानेंट नेगेटिव आनी चाहिए। और यहाँ पे ये जो तार मैंने आपको दिखाई है इसकी पावर यहाँ पे आनी चाहिए जो नहीं आ रही थी। तो फाइनली मसला तो मिल गया, आप देखें। अच्छा जी, ये है वो सेंसर जो इंजन का टेम्परेचर बता रहा होता है इस डिवाइस को, ये है। ये मैंने जुबली क्लैंप से यहाँ पे लगा लिया है। इसका जो है ना पोर्शन, ये है कॉपर टाइप होता है उसके ऊपर। और ये जो स्विच है ये रेडिएटर फैन को ऑटोमेटिक ऑन ऑफ कराता है। और यहाँ से मैंने इसको ये लीड डाली है और अंदर ले गया हूँ। तो ये जो नज़र आ रही है आपको, अभी ये उतर गई है, मैं इसको दोबारा लगाना है जॉइंट यहाँ पे। तो इससे ये जो है निज़ाम चल रहा है। ये देखें जी, काम हो गया है। टेम्परेचर की गेज अब टेम्परेचर बता रही है। तो इस तरह तो होता है इस तरह कामों में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह आपको इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलती रहेंगी। एक मसला यह है कि वीडियो कोई बनाने वाला नहीं था, मैंने वीडियो भी बनानी थी और काम भी करना था, इसलिए माजरत के कंप्लीट प्रोसेस नहीं दिखा सका, थोड़ा थोड़ा आपको दिखाया, लेकिन आपको आइडिया हो गया होगा। तो दोबारा यही कहूँगा कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।